नमस्कार, आज के राशिफल कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित दिनेश चंद्र। आज हम बात करेंगे कैसा रहेगा आज का आपका दिन, किसके सितारे रहेंगे बुलंदी पर और किसके हाथ लगेगी निराशा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे उस निराशा से निकलने का उपाय। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। पौष मास का कृष्ण पक्ष है, 9 जनवरी दिन शनिवार है, तिथि एकादशी, शाम 7:17 तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आज विशाखा नक्षत्र दोपहर 12:32 तक रहेगा, तदोपरांत अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। अब ये बात करते हैं दिशाशूल की। आज पूरब की दिशा के लिए दिशाशूल है, यानी शनिवार को पूरब की दिशा में विशेष यात्रा वर्जित है। यदि ज्यादा जरूरी है तो अदरक या तिल खा करके यात्रा करें, ऐसे में दिशाशूल का दोष कम हो जाएगा। यदि आपको उसी दिन लौट कर आना है जिस दिन आप गमन कर रहे हैं, तो दिशाशूल का कोई विचार नहीं होगा। अब ये बात करते हैं राहुकाल की। राहुकाल किसी भी दिन का ऐसा वक्त जिसमें कोई भी शुभ काम वर्जित है, इस वक्त में किया गया काम सफल नहीं होता। आज का राहुकाल सुबह 9:54 से 11:14 तक रहेगा। अब ये बात करते हैं कि अगर राहुकाल है और उसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता, शुभ कार्य कब किया जाता है, किस मुहूर्त में किया जाता है, तो उस मुहूर्त की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है उसको हम कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। यानी आज जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से 12:55 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और एक और है अमृत काल, वो दोपहर 1:09 से 2:38 तक रहेगा। अब बात करते हैं राशियों की कि आज का राशिफल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आती है बारी मेष राशि। जो मेष राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा, तो आज का दिन ठीक रहेगा। जल्दबाजी में निवेश न करें, निवेश के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, ये सबसे बेहतर मरहम है। वे कभी ना खत्म होने वाली खुशियों को का स्रोत साबित होते हैं। आपके बच्चे, आपका जो परिवार है, ये ऐसा स्रोत होता है जो कभी, जिनसे खुशियां कभी खत्म नहीं होती। इनके साथ आप कुछ समय आप शेयर करें। कामकाज पर ध्यान के बजाय ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग आपके लिए आज समस्या खड़ी कर सकता है। अपने काम और शब्दों पर गौर करें आज, वरना परेशानी में पड़ जाएंगे। यह आपके पूरे वैवाहिक जीवन के सबसे ज्यादा स्नेहपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है आज का दिन। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करें, आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगी मिलेगी। अब ये बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज आपका दिन बढ़िया जाने वाला है। रचनात्मक कार्यों में आपका नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। अपने मन की इच्छा पूरी होगी। जो आपने अपने मन में कर रखी होगी इच्छा, वो आज पूरी हो सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाएंगे। स्थिति हर तरफ से आपके पक्ष में रहेगी। आज बच्चे कोई अच्छा कार्य करेंगे जिससे आपको गर्व महसूस होगा। आज आपकी अपने पुराने लव पार्टनर से भेंट हो सकती है, जो दिल में कसक जगाएगी। इसे बुरी याद समझ करके भूल जाएं और अपने वर्तमान पर ध्यान दें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ये बात करते हैं मिथुन राशि के लिए कि मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो मिला जुला असर वाला रहेगा आज आपका। आत्मविश्वास मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से आज बचें। बच्चों के साथ बातचीत और कामकाज में आप कुछ परेशानियां महसूस करेंगे। लवमेट के साथ गहरी दोस्ती के चलते रोमांस का फूल खिल सकता है। मुमकिन है कि आपके वरिष्ठ जो आपके साथ जरूरत से ज़्यादा सख्ती से पेश आए आज।
कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आपकी सहायता कर सकता है। वैवाहिक जीवन के यादगार पलों को याद करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर परेशानियां कुछ आती हैं उसके लिए उपाय है, तुलसी के पौधे के आगे दीप जलाएं सुबह सुबह, पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपके रिश्तों में सामंजस्य भी स्थापित होगा। अब ये बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जो कर्क राशि के जातक है उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। आप परिवार वालों के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। आपके लिए कोई फैसला करना कठिन हो सकता है। आज आपके पैसे कहीं लटक सकते हैं। आज बढ़ता खर्च आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी काम में अनुमान से ज्यादा ही मेहनत और समय लग सकता है। जीवन साथी की सेहत थोड़ी खराब रह सकती है, उनका खास ध्यान रखें। रिलेशनशिप में रह रहे लोग थोड़ी सावधानी बरतें, वरना बात बढ़ सकती है, ब्रेकअप तक जा सकती है। याद रखें दिन की शुरुआत लक्ष्मी जी के पूजन के साथ करें। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, दिन की आने वाली परेशानियां दूर रहेंगी। तो अब आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। जो सिंह राशि के जातक है उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज दूसरों की कमियां ना निकालें, वरना विवाद में पड़ जाएंगे। आज आपको समझना चाहिए कि ऐसा करना केवल समय की बर्बादी है और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेहतर रहेगा कि आप अपनी ये आदत बदल दें और इसकी शुरुआत आज से ही करें, क्योंकि आज इसकी शुरुआत करने का अच्छा दिन है। आपके प्रिय का बर्ताव आपको खास होने का अनुभव कराएगा। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में आलोचनाओं का शिकार हो सकते हैं। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से निकटता आज आपको खुशी देगी। लव पार्टनर हो या फिर मैरिड कपल, दोनों अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें, तभी आपका रिश्ता सामान्य हो पाएगा। अब ये बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जो कन्या राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज आपको संयम की जरूरत है। किसी भी कीमत पर अपना आपा न खोएं, नहीं तो परिवार में कभी न मिटने वाली दरार पड़ सकती है। अगर आप कोशिश करें तो आप शांति और तालमेल बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। एक बटा हुआ घर बिखर जाता है। भागीदारी वाले व्यवसाय और चालाकी भरी जिंदगी योजनाओं में निवेश न करें, यानी ऐसी योजनाएं जो इस तरह की हैं उसमें निवेश कतई न करें। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ज़्यादा सावधानी बरतें, उदास ना हों। कभी कभी विफल होना भी कोई खराब बात नहीं होती है, वह तो जिंदगी की एक खूबसूरती है। थोड़ा सा मोलभाव और चतुरता काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की ज़रूरत है। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। पुराने चल रहे झगड़ों को दरकिनार करके आगे बढ़ें। बात बात पर विवाद न करें, अपने क्रोध पर संयम रखें, अन्यथा रिश्ता तार तार हो सकता है। अब ये बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए कि जो तुला राशि के जातक है उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो तुला वाले जो जातक हैं उनकी किस्मत आज उनका पूरा साथ देने वाली है। जिस काम को आप कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज किसी मित्र की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए दिन ये बहुत बढ़िया है। आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज लवमेट के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच का प्लान भी बना सकते हैं। आज आपकी लव लाइफ आपके मन के अनुकूल चलेगी। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। डेट पर जाने से जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। आउट ऑफ स्टेशन जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन और भी अच्छा जाएगा। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि जो वृश्चिक राशि के जातक है उनका आज का दिन
कैसा रहेगा, तो आज आपका दिन बेहतर रहेगा। जिन चीजों को पाने के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं वो आज आपको मिल जाएंगी। आपकी कोशिशें पूरी तरह से सफल हो सकती हैं। दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएंगे। अपने गुरु से परामर्श लेने के लिए दिन आज आपका अच्छा है। इस राशि के जो बच्चों का आज पढ़ाई में मन लगेगा और दिन भी अच्छा रहेगा। कुंवारे और जो विवाहित हैं दोनों के लिए आज का दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। देश विदेश यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। लॉन्ग ड्राइव पर भी आप जा सकते हैं। दिन की शुरुआत मंदिर में माथा टेक करके करें। आपके सारे काम एक के बाद एक बनते चले जाएंगे। अब ये बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए कि जो धनु राशि के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। अगर आप जिम्मेदारी से भागेंगे तो इसके लिए आपके अपने परिवार की भावनाएं बहुत आहत होंगी, इसलिए जिम्मेदारी से बिल्कुल ना मुकरें। आज कुछ गलत बोलने से पहले सही से जरूर सोचें, क्योंकि आपका कहा आपके खिलाफ जा सकता है आज। इससे आपके परिवार की जो प्रतिष्ठा है वो भी खतरे में पड़ सकती है। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो काफी फायदेमंद साबित होगी। दूसरों में कमियां ना निकालें वरना विवाद में पड़ जाएंगे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी जरूरी दस्तावेज जरूर साथ में रख लें। आज आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की जो अहमियत है वो क्या होती है। भगवान विष्णु के नमन के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन की परेशानियों से निजात मिलेगी। भाई ये बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कि जो मकर राशि के जातक है उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज ऐसे रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन खुशी से झूम जाएगा। पारिवारिक विवादों से आज बचें। आज बातचीत करते समय वाणी पर संयम रखें। इस राशि के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। आज अगर सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो रुके हुए काम सफल हो जाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो कोई खास आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जो आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। वही बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके सितारे आज कैसे रहने वाले हैं। तो अपनी सेहत को लेकर के आप सतर्क रहें कुंभ राशि वाले जातक। आज निवेश ना करें तो ठीक रहेगा, ज्यादा जरूरी समझें तो सोच समझकर ही कदम उठाएं। आप दोस्तों के साथ बेहतरीन वक्त बिताएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा सावधानी बरतें, इसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और तरक्की के रास्ते साफ होंगे। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर करना पड़ सकता है जो कि काफी दौड़ भाग भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। आज आपके लिए वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है आज का दिन, बशर्ते आपकी सोच सकारात्मक बनी रहे तो। मां भगवती के नमन के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन की दिक्कतें दूर रहेंगी। अब ये बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कि जो मीन राशि वाले जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। आज का दिन शानदार रहेगा आपके लिए। किस्मत आपका पूरा साथ देगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करेंगे। आप किसी व्यापारिक समारोह में शामिल होंगे। मेहनत से काम में सफलता मिल सकती है। इस राशि के कॉलेज के स्टूडेंट को नई गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। आज बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा। आज सरकारी कामों का निपटारा हो सकता है। सिंगल लोगों को आज अपना मनचाहा लव पार्टनर भी मिल सकता है। शादीशुदा लोगों में चल रहा मन मुटाव खत्म होगा। रिलेशनशिप में है तो संभल जाएं, कोई तीसरा दस्तक दे सकता है। गायत्री मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें, दिन को और भी खास बनेगा आज। तो आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल बीके न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।